वेलकम टू लैंड प्लस, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ तिवारी, आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और आज हम लोग एक और नई प्रॉपर्टी के साथ में आपके पास में आए हैं। आप जानते हैं कि हम लोग दो तरह की वीडियोस को प्रमोट करते हैं, एक होती है एरियाज़ के जो ओवरव्यू हम लोग शूट करते हैं, और एक होती हैं जो हम बिल्डर्स फ्लोर को शूट करते हैं। लेकिन आज इसमें थोड़ा सा चेंज है, आज हम लोग एक प्रॉपर्टी की वीडियो को बनाएंगे, लेकिन एक बिल्डर फ्लोर फ्लैट नहीं होगा। बिल्डर फ्लोर की अगर बात करें तो जो प्रॉपर्टीज पिछले दो चार सालों में कंस्ट्रक्ट हुई हैं, जिसमें स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर्स का प्रोविजन होता है, जिसमें लिफ्ट होती है, हम लोग जनरली उन्हीं फ्लोर्स को बिल्डर फ्लोर कहते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी एक यूज्ड प्रॉपर्टी होने वाली है और एक पुरानी प्रॉपर्टी होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग को बिल्डर फ्लोर पसंद आते हैं, कुछ लोग को पुराने तरह के जो फ्लोर्स होते हैं वो पसंद आते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर तरह के फ्लोर्स आपके पास में लेकर आएँ, ताकि आप अपनी चॉइसिस के हिसाब से उन प्रॉपर्टीज को देख सकें और अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकें। बात करें इस प्रॉपर्टी की, तो ये प्रॉपर्टी लगभग 17 से 18 साल पुरानी है। 2004 के आसपास की इसकी कंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप जानते हैं कि जितनी पुरानी कंस्ट्रक्शंस होती थी प्रॉपर्टी की, वो बहुत ही सॉलिड होती थी, और ये प्रॉपर्टी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी है, बहुत ही सॉलिड है। इसका लेआउट भी पुराने तरीके से है, यानी अगर बात करें तो ये 375 गज की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये 3 बेडरूम की प्रॉपर्टी है, यानी बहुत ही स्पेशियस प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको आप चौथी बेडरूम भी इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 4 बेडरूम का लेआउट भी डिजाइन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पेशियस घर पसंद है, तो ये घर उन जैसे लोगों के लिए है। बात करें इस प्रॉपर्टी की, तो पुरानी प्रॉपर्टीज में जो सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो होता है लिफ्ट का, और सेकंड होता है पार्किंग का। लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों इश्यूज़ में से किसी को भी फेस नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि ये प्रॉपर्टी आपकी ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है, तो ग्राउंड फ्लोर में आपको लिफ्ट की रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं होगी। बात करें पार्किंग की, तो इस प्रॉपर्टी में आपको वैसे भी दिक्कत नहीं होगी। कारण ये है कि इस प्रॉपर्टी में आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग, आपकी सेपरेट पार्किंग होगी। अब आप पूछेंगे कि 3 गाड़ियों की पार्किंग एक पुरानी प्रॉपर्टी में हमें कैसे मिल सकती है, तो वो सर ऐसे मिल सकती है क्योंकि इस प्रॉपर्टी में आपका सेपरेट ड्राइववे है, आपकी सेपरेट एंट्री है इस प्रॉपर्टी में, यानी बिल्डिंग की जो एंट्री है उसके लिए गेट अलग दिया गया है और आपका गेट जो है वो अलग है। तो आप अपने गेट में 2 गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं और गेट के बाहर रैंप पे 1 गाड़ी को आप पार्क कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि पुरानी प्रॉपर्टी में ग्राउंड फ्लोर उनको सूट नहीं करता, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ज़मीन के लेवल पे होता है। इस कीड़े मकोड़े या पेस्ट्स की अगर बात करें तो उसका इशू होता है। तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं कि ये प्रॉपर्टी ग्राउंड फ्लोर से लगभग 3 फीट की हाइट पे बनी हुई है, यानी आपको 4 से 5 स्टेयर्स आपको चढ़ने पड़ेंगे इस प्रॉपर्टी में जाने के लिए। तो उस लिहाज से भी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी में आपके पास में 3 बेडरूम हैं, 3 वॉशरूम्स हैं, बहुत ही बड़ा ड्राइंग रूम है, कैजुअल ड्राइंग रूम भी है, एक फॉर्मल ड्राइंग रूम भी है आपके पास में, आपका प्राइवेट गार्डन है। ये प्रॉपर्टी 1 साइड ओपन होने वाली है, तो बैक साइड के अंदर में आपके पास में यूटिलिटी स्पेस भी है, जहाँ पे आप वॉशिंग एरिया के तौर पे या भी बहुत तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं उस जगह को। तो ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो आपको हमने बताई। बात करें एरिया की, तो ये प्रॉपर्टी गुजरावाला टाउन पार्ट 3 एरिया में लोकेटेड है। अब जो लोग गुजरावाला टाउन पार्ट 3 एरिया को जानते हैं, या जिन लोगों ने अभी हमारे हाल फिलहाल में डेरावाला और गुजरावाला टाउन का जो ओवरव्यू वीडियो है उसको देखा है, तो वो जानते होंगे कि ये बहुत ही प्राइम और पॉश लोकेलिटी है। तो आसपास के एरिया में अगर नॉर्थ दिल्ली की बात करें, तो अगर हम 3 से 4 जो सबसे प्राइम एरियाज़ की बात करेंगे, उनमें से एक है आपका गुजरावाला टाउन पार्ट 3, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की साइजेस हैं वो लगभग 375 गज के, मेजॉरिटी जो है प्रॉपर्टीज़ की वो 375 गज की है। तो आप जानते हैं कि जितना बड़ा साइज़ होगा प्रॉपर्टी का, उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव और उतना ज़्यादा हाई क्लास एरिया हम उसको कंसिडर करते हैं, उतना हम पॉश उसको हम कंसिडर करते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को एक्चुअल विजिट भी करना चाहते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो हमारे फ़ोन नंबर्स नीचे स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को जब भी चाहें। हम लोग 7 डेज अ वीक अवेलेबल हैं, और आप हमसे फ़ोन पे बात करके व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, और कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। आपको पता है कि लैंड प्लस पूरे डेली NCR के अंदर में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचना चाहते हैं, लैंड प्लस को कॉल कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टीज की फोटोज आपसे मांगेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी वीडियो बनाने लायक हुई तो हम आपकी प्रॉपर्टी की वीडियो बनाएंगे और अपने प्लेटफॉर्म से उसको प्रमोट करेंगे। इस प्रमोशन के लिए हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम वीडियो बनाने का आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। तो अगर आप डेली NCR में कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है,
आप हमें उस पर मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार प्रॉपर्टी की तरफ, आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी कैसी है, देन आप डिसाइड कीजिए कि ये प्रॉपर्टी क्या आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं बिरला वाला टाउन पार्ट 3 में। यहाँ पे साइजेस आप देखें, यहाँ पे साइजेस बड़े हैं प्रॉपर्टीज के। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनका साइज है 375 स्क्वायर यार्ड, और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया है बिरला वाला टाउन का। शुरुआत करेंगे ड्राइववे से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ड्राइववे एरिया है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने की स्पेस है। आप देख सकते हैं ये आपका मेन एंट्रेंस गेट है, और मेन एंट्रेंस गेट के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक गार्ड रूम दिया गया है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अपना गार्डन बना सकते हैं। इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है अपना। तो ये ड्राइववे है, और ड्राइववे के अंदर में लगभग 2 गाड़ियाँ बड़ी आसानी से खड़ी की जा सकती हैं। आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि पीछे भी आपकी ड्राइववे के अंदर में स्पेस है, तो यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रॉपर्टी की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही शानदार है, ये लगभग 17 से 18 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। आइए चलते हैं अंदर फ्लोर की तरफ और देखते हैं कि फ्लोर कैसा बना हुआ है। ये आपकी एंट्रेंस है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके लगभग 4 से 5 सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, इसको चढ़ना होगा आपको। देखिए एक बार, फ्लैट का ओवरव्यू। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपका फॉयर एरिया है। फॉयर एरिया के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि एक कैजुअल ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया जैसे आप कह सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस एरिया है, अगर आप क्लोजली इसको देखें तो आप पाएंगे कि इसका साइज बहुत ही बड़ा है। बात करें प्रॉपर्टी की सीलिंग हाइट की, तो बहुत ही अच्छी सीलिंग हाइट है। एक बार वापस से पीछे आते हैं और आपको दिखाते हैं राइट हैंड साइड पे आपका फॉर्मल लिविंग रूम। इसमें ग्लास डोर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा पॉलिश का काम है। बात करें फ्लोरिंग की, तो प्रीमियम व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं दिस इज योर फॉर्मल लिविंग एरिया। बहुत अच्छा साइज़ है इस रूम का भी। अगर साइज़ की बात करी जाए तो लगभग जो इसका साइज़ है वो ऑलमोस्ट 15x20 का है, 15x20 फीट का इसकी साइज़ है। आप चाहें तो इसको एज ए बेडरूम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी में अगर आपको चौथे बेडरूम की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको एज ए बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये आपकी किचन है और डाइनिंग एरिया है। चलिए आइए चलते हैं पहले इस तरफ। ये है आपका कैजुअल लिविंग रूम। इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी विड्थ लगभग लगभग आपकी 18 फीट की इसकी विड्थ है, और लंबाई की बात करें तो लगभग लगभग 25 से 30 फीट के आसपास इसकी लेंथ है, यानी बहुत ही ह्यूज साइज़ है ये। अगर आप बात करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ये मंदिर रूम है। मंदिर रूम के लिए अलग से प्रोविजन दिया गया है। आइए चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये देख सकते हैं ये है मास्टर बेडरूम।
यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग का प्रोविजन दिया गया है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे रूम के अंदर में, आप नोटिस करेंगे इस रूम का साइज़ बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ह्यूज साइज़ का रूम है। वुडन पैनलिंग और साथ में वॉल पेपर्स के बिल्कुल साथ में एक सोफा सेट। किंग साइज बेड लगने के बावजूद आप देख सकते हैं कि रूम के अंदर में कितना स्पेस है। बात करें फ्रंट की तो फ्रंट टीवी पैनल, फॉल सीलिंग का भी प्रोविजन है यहाँ पे। आइए चलेंगे वॉशरूम की तरफ और ये देख सकते हैं, ये है आपका वॉशरूम। वॉशरूम में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट करने के लिए ग्लास का प्रोविजन है। वुडन टेक्सचर की टाइल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर और वॉल पे बेज कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। एक बार दोबारा से देखिए रूम। इस रूम के साथ में यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया भी दिया गया है, आप इसको एज ए वॉकिंग क्लोजेट की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत सारी अलमीराज यहाँ पे दी गई हैं आपको। इस रूम में आपको एक छोटा सा स्टडी टेबल भी दिया गया है, तो आप चाहें तो आप अपने ऑफिस का भी काम यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। ओवरऑल बात करी जाए तो ये एक प्रॉपर मास्टर बेडरूम है जिसमें बहुत अच्छा स्पेस है। आइए चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। और अब हम आ गए हैं सेकंड बेडरूम पे। इस बेडरूम में भी वुडन फ्लोरिंग का प्रोविजन दिया गया है, ऑल्दो इसकी जो वुडन फ्लोरिंग है इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले बेडरूम के मुकाबले में। ये किड्स बेडरूम है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस बेडरूम का भी साइज बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं बेड के बाद भी यहाँ पे सोफा लगाने की स्पेस है। और ये आप देख सकते हैं कि विंडोज़ ताकि रोशनी मिले, अगर आप दिन में अगर विंडोज़ खोल के आप रखना चाहें आप खोल सकते हैं। ये है आपकी स्टोरेज स्पेस। बात करें वॉशरूम की तो जैसे ही आपने गेट में एंट्री किया, गेट में एंट्री करते ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका वॉशरूम है। एक बार वॉशरूम देखते हैं। अप टू सीलिंग हाइट टाइल्स का यूज किया गया है और यहाँ पे भी वेट एरिया को ड्राई एरिया से सेपरेट करने के लिए टफन ग्लास का प्रोविजन दिया गया है। आइए चलेंगे तीसरे बेडरूम की तरफ। आप देखेंगे इस बेडरूम का भी साइज बहुत ही अच्छा साइज दिया गया है। स्टोरेज स्पेसेस, स्टडी टेबल का प्रोविजन दिया गया है इस बेडरूम में भी। ड्रेसिंग टेबल और ये है इसका अटैच वॉशरूम। वुडन टेक्सचर टाइल्स का यूज़ किया गया है नीचे फ्लोरिंग पे और दीवारों पे यहाँ पे आपको वाइट कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वेट एरिया और ड्राई एरिया अलग अलग दिए गए हैं। आइए चलते हैं किचन की तरफ।
दिस इज योर डाइनिंग एरिया, बिल्कुल डाइनिंग एरिया के साथ में यहाँ पे एक वॉश बेसिन का प्रोविजन दिया गया है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं आपकी क्रॉकरी के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं किचन में, आप देखें किचन बहुत अच्छा स्पेस है किचन का, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी साइज की किचन है ये। आइए एक बार दोबारा चलते हैं फॉर्मल लिविंग रूम की तरफ। ये आपका गार्डन एरिया, और ये है आपका ड्राइव पे जाने का रास्ता। आप इसको एक छोटा सा गार्डन अपने यूज के हिसाब से इसको बना सकते हैं।